नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा है, क्या 1500 के नोट बंद करके देश की सरकार ने गलती की थी? क्या नोटबंदी भी विदेशों से काला धन लाने जैसा जुमला साबित हुई? आप कहेंगे कि नए नोट पुराने हो गए, बात गुजर गई, अब कड़े नोट क्यों उखाड़ रहे हैं हम? दरअसल कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश को पहली बार बताया कि नोटबंदी में कुल कितने पुराने नोट बैंक में जमा हुए। तो पता चला कि अगर मार्केट में 100 रुपए के बराबर नोट थे तो 99 रुपए वापस पुराने नोट के तौर पर लौट आए हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा, ये तो यही तो मकसद था कि तिजोरियों में जमा काला धन बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाए। पर ये बात इतनी सरल नहीं है। सरकार ने सोचा था पुराने नोट वाले काले धन को नए नोट मार देंगे, जितने नोट लौटेंगे नहीं उतने नोट आरबीआई छापकर सरकार को दे देगी और फिर उसे जनता के कल्याण में लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता नए नोट छापने में आरबीआई को घाटा हो गया। आज देश की आर्थिक विकास दर भी घट गई। ऐसे में जनता ने कष्ट भी उठाया पर उसे मिला ठेंगा। इसी जनता की निराशा को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अगर आपको सही लगे तो जरा जोर से घंटी बजा दीजिएगा ताकि सरकार दोबारा ऐसी योजनाएं न बनाए जिसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो। हमारी मांग है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करके नोटबंदी पर देश को सही और पूरी जानकारी दे। 8 नवंबर 2016 जब देश में हुई नोटबंदी तो याद करिए प्रधानमंत्री का बयान। मेरे प्यारे देशवासियों, मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। लेकिन नोटबंदी पर क्या मोदी सरकार ने खोदा पहाड़ और निकली चूहिया? देश को बरगलाइए मत, मोदी जी को कहिए कि वो आगे आए और देश से माफी मांगे। ब्लैक मनी बंद नहीं हुआ, टेररिज्म बंद नहीं हुआ। आपने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, राइट लाइक सिचुएशन क्रिएट किया। भारत ने आर्थिक अराजकता लाई। आखिर क्यों नोटबंदी पर सरकार अब जवाबदेही की लाइन में खड़ी कर दी गई है? इसलिए समझना होगा नोटबंदी से फायदे पर क्या था प्रधानमंत्री का दावा और अब क्या हकीकत बताते हैं वित्त मंत्री। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो जेल ही सकते हैं। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि लोग पैसा जमा ना कराएं और वो पैसा जब्त हो जाए। जिन लोगों ने जीवन में कभी काले धन के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वो शायद इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं पाए हैं। ये उद्देश्य किसी का पैसा जप्त करने का नहीं था। यानी दावा था 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करके सरकार काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद रोक देगी। अब खुद सरकार ही कहती है नोटबंदी का मकसद सिर्फ 1000 और 500 रुपए के नोट बंद कर वापस लेना नहीं था। दावा था 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने से काले धन वालों का पैसा रद्दी का टुकड़ा रह जाएगा। हकीकत यह है कि 500 और 1000 रुपए के जितने नोट बंद हुए उनमें से 99% वापस बैंक में आ गए। दावा था 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर काले धन वालों को चोट पहुंचाएगी सरकार। अब सरकार ही हकीकत बताती है, कहती है मकसद तो डिजिटल लेन देन बढ़ाना था। इसीलिए विपक्ष पूछता है क्या नोटबंदी भी जुमला है? फर्स्ट डे से हम लोग क्या बोलता है, हम लोग भी बोल रहे हैं ये पूरा जुमला था। जिस नोटबंदी को देश में काले धन के खिलाफ सरकार ने ऐतिहासिक कदम बताया, उसी नोटबंदी को विपक्ष जुमला बताकर क्यों हल्ला मचा रहा है? जिस नोटबंदी के सफलता की गारंटी का परिणाम
खुद प्रधानमंत्री दे रहे थे, अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार बैठे थे, उसे लेकर के अब सवाल क्यों उठ रहे हैं। जब मैं ये स्कीम लेके आया था तो मेरी कैसी मजाक हुई थी पार्लियामेंट में, भाषण कैसे हुए थे आपको याद होगा। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा, अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता नहीं। और जिस नोटबंदी के सहारे सरकार ने 9 महीने पहले देश को भ्रष्टाचार, काले धन, जमाखोरी और आतंकवाद से मुक्ति का भरोसा दिया, क्या जनता को लाइन में लगाकर सरकार वो वादा पूरा नहीं कर पाई। इन सारे सवालों की वजह है नोटबंदी के 9 महीने बाद आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सालाना रिपोर्ट, जिसमें पहली बार नोटबंदी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी से पहले 1,500 के 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जिनमें से नोटबंदी के बाद 30 जून तक 15.28 लाख करोड़ के नोट वापस आ गए। नोटबंदी के बाद सिर्फ 16,050 करोड़ रुपए के नोट नहीं आए, जो बंद हुए 1,500 के नोटों की कीमत का महज 1% है, जबकि अभी 500 रुपए के लौट आए नोटों की संख्या सरकार ने साफ साफ नहीं बताई। इसलिए अब सवाल ये है कि जब 99% पुराने नोट वापस रिजर्व बैंक के पास आ गए तो क्या ये नोटबंदी की योजना थी या फिर नोट बदली की योजना थी। सरकार का अनुमान था कि बड़ी तादाद में काला धन वापस नहीं आएगा और इसका उसे फायदा होगा, लेकिन यहाँ ये उल्टा पड़ता दिख रहा है। 99% नोट वापस आने से सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है। नोट छपाई का खर्चा 21,000 करोड़ रुपया और वापस केवल नहीं आया 16,000 करोड़, और वो भी अभी NRIs के खातों में और अदालत के पास जमा है। इसलिए जेटली जी, देश को बरगलाइए मत, मोदी जी को कहिए कि वो आगे आए और देश से माफी मांगे। बेसिकली जब इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी शुरू किया था, उसके बाद जो चुनाव हुआ, हार गया चुनाव। इस बार भी, उस बार था नसबंदी, इस बार नोटबंदी। नोटबंदी के बाद ये भारतीय जुमला पार्टी अभी ऑपोजिशन में बैठने वाला है। 1% ब्लैक मनी इस देश में, आपने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, राइट लाइक सिचुएशन क्रिएट किया, और उसके बाद क्या है? 1% किसी को तो जवाब देना होगा। तो क्या देश में सिर्फ 1% ही काला धन था जिसके लिए सरकार ने नोटबंदी का पहाड़ खोद डाला? अब इस बात को समझने के लिए देश के दो बड़े अर्थशास्त्रियों के पास हमारा पहुंचना जरूरी हुआ। पहले से ही पता था कि नोटबंदी से काले धन के अर्थव्यवस्था पे लगाम नहीं लगेगा, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था के दो हिस्से हैं। एक तो आप जो हर साल कमाई करते हैं, और एक जो कमाई से जो आप जो अपनी दौलत जोड़ते हैं। हा? तो जो दौलत होती है वो तो कई तरीके से होती है, कोई गोल्ड में है, ज्वेलरी में है, रियल एस्टेट में है, बाकी चीज़ों में। और जो कैश होता है उस पर तो कोई रिटर्न नहीं आता, तो कैश तो लोग बहुत कम रखते हैं। तो जो काले धन का जो पूरा जो समागम है उसका 1% कैश में होता है। तो अगर आप कैश निकाल भी दें तो काले धन का 1% ही निकलेगा। अभी भी मैं सरकार को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा और 31 मार्च 2018 तक के नंबर का इंतजार करूंगा कि अगर टैक्स टू GDP रेशियो 1% या 1% पॉइंट नहीं बढ़ता तो ये पूरी कवायद एक तरह से ठप कहलाई जाएगी। एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ गया है सरकार के लिए कि जो उन्होंने सोचा था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए नहीं आएगा, काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, जो उन्होंने सोचा था कि जो हमें टेररिज्म पे असर पड़ेगा, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ ये जानकारी भी सामने आई कि SBI इको फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से RBI को नुकसान हुआ है, उसे नोट के छापने में होने वाले फायदे में कमी आई है। नोट छापने की लागत 2016 के 3,421 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017 में 7,695 करोड़ रुपए हो गई। तो क्या नोटबंदी देश में घाटे का सौदा साबित हुई? वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं नहीं। अब इनके नए दावों और उनकी हकीकत आपको बताते हैं। वित्त मंत्री का पहला दावा, नोटबंदी से फायदा हुआ, देश में टैक्स देने वाले बढ़ गए। प्रत्यक्ष असर यह हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स बेस भी एक्सपैंड किया है, क्वांटम ऑफ टैक्सेशन एक्सपैंड किया है डीमोनेटाइजेशन के बाद, और उस वो एक कारणों में से एक है कि GST का भी प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि पैसा जब ज्यादा व्यवस्था के अंदर आता है तो जितनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ज्यादा फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से होती हैं। तो टैक्स बेस बढ़े, ये एक उद्देश्य था।
अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो वित्त मंत्री सही कहते हैं, पिछले साल के मुकाबले इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले देश में 17% बढ़े हैं। लेकिन सवाल ये कि जो 17% लोग देश में आयकर रिटर्न भरने वाले बढ़े, क्या वो अब तक काला धन बचाते थे, इसकी क्या गारंटी? इसीलिए नोटबंदी के कारण देश में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ने के दावे पर कांग्रेस सवाल उठाती है। कहते हैं कि टैक्स बेस थोड़ा बढ़ा, पर इंटरेस्टिंग ये है कि एवरेज इनकम रिपोर्टेड ऑफ द न्यू टैक्स पेयर्स इज ₹2.7 लाख, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख तक तो देना नहीं पड़ता। तो जो नए टैक्स पेयर का वित्त मंत्री और सारे ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है, उनकी औसत आमदनी 2,70,000 है। वित्त मंत्री का दूसरा दावा है, नोटबंदी के कारण धीरे धीरे देश की विकास दर को फायदा होगा। When more and more money comes into the formal system, doesn't it in the long run go and add to the GDP? Today, when you have greater number of banking transactions, when you have a larger tax base, when you have more revenue with the center and the states, with larger ability for public spending, in the medium and the long term, all this contributes to a larger GDP. लेकिन अरुण जेटली के दावों की फौरन हवा निकलने लगी जब पता चला कि अप्रैल से जून की तिमाही में देश की विकास दर घटकर 5.7% हो गई है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 2.2% नीचे है। अगर नोटबंदी की बात करें तो नवंबर में नोटबंदी हुई, उसके बाद जनवरी से मार्च की तिमाही में विकास दर देश में 6.1% हुई और अब विकास दर गिरकर 5.7%, यानी नोटबंदी के बाद विकास दर गिर रही है। अब यहाँ याद करना जरूरी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नोटबंदी और देश की विकास दर पर जताई गई आशंका का वो बयान। GDP of the country can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. इसी आशंका को नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में खारिज कर दिया था और आज कैसे वित्त मंत्री चिंता जताने लगे, ये सुनिए। कोई कह रहा था 2% GDP कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% GDP कम हो जाएगा। देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ट्रेडिंग चलती रही और पैदावार नहीं हुई, तो पुराना जो स्टॉक था उसकी डिस्टॉकिंग GST के ईव में, वो शायद ज्यादा बड़ा कारण लगता है। कोई सरकार से पूछे कि GST तो जुलाई में लागू हुआ है, जबकि विकास दर तो अप्रैल से जून की तिमाही की गिरी हुई आई है, इसमें GST का असर कैसे हो सकता है? नोटबंदी के कारण जितने फायदे के सपने दिखाए गए वो सब सपने ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री का तीसरा दावा है कि नोटबंदी से देश में गुमनाम कालाधन पकड़ा गया। पैसे जो गुमनाम था वो मलकियत के साथ उसको जोड़ दिया जाए और फिर उस मालिक के खिलाफ टैक्स इवेजन की कार्रवाई हो सके, ये एक उसकी दूसरी प्रक्रिया थी। सरकार कहती है कि 3 लाख करोड़ रुपया जो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आता था वो नोटबंदी के कारण वापस आया। सरकार का दावा है कि जिन लोगों ने नोटबंदी में अपना काला धन किसी तरीके से बैंकों में जमा करा दिया, उन्हें सरकार नोटिस जारी कर रही है। लेकिन सरकार के इस दावे की पोल खोलते हैं अर्थशास्त्री अरुण कुमार। वित्त मंत्री ने कहा कि अब हमने 18 लाख लोगों को नोटिस भेजा है, उनमें 9 लाख लोगों का जवाब आया है और अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, पर जब तक ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं करता कि वो ब्लैक कमाई का कैश है, तब तक हम नहीं कह सकते कि कितना ब्लैक आया। वित्त मंत्री का चौथा दावा, नोटबंदी के कारण जाली नोट पर लगाम लग गई। जो जाली नोट है वो इसमें अलग कर पाए और पहली बार RBI ने ये प्रक्रिया की है कि एक एक जाली नोट को अलग करने का प्रयास किया है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बिल्कुल व्यवस्था के बाहर सरवाइव करती थी, उसको फॉर्मल के साथ मिलना, ये उसका एक उद्देश्य था। अब वित्त मंत्री के दावे की हकीकत जानिए। RBI की ही सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच 1,500 रुपए के 5,73,891 जाली नोट की पहचान हुई थी। लेकिन ध्यान से सुनिए, पिछले साल बिना किसी नोटबंदी के ही इन्हीं 1,500 रुपए के 4,04,794 जाली नोट पकड़े गए थे। वित्त मंत्री का पांचवा दावा, नोटबंदी के कारण आतंकवाद पर लगाम लगी। जो आतंकवादियों के पास पैसा रहता था, डीमोनेटाइजेशन के बाद
वो भी स्क्वीज हो और वो प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में वो स्क्वीज होना, कम होना, उसकी एक प्रक्रिया सामने नजर आई है। और इसीलिए शायद अलगाववादी और आतंकवादियों की क्षमता, जो पत्थरबाज लोग थे, उसको अब जुड़ाने में, पैसा देकर बांटने में उसको उनपे कठिनाई आती है। अब अरुण जेटली जो वित्त मंत्री भी हैं और अभी देश के रक्षा मंत्री भी, वही बताएं कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुकने का श्रेय सेना को जाता है या फिर नोटबंदी को। वित्त मंत्री अरुण जेटली खुलकर ही बता दें कि कश्मीर में पत्थरबाजों पर लगाम सेना के जवानों ने लगाई है या फिर उनके वित्त मंत्रालय के सचिवों ने। नोटबंदी से कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, ये बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि हमारे देश में आतंकवाद सिर्फ पैसों के बल पर नहीं फलता फूलता। भारत में आतंकवाद के पनपने की बड़ी वजह अतिवादी सोच, कट्टरपंथी विचारधारा है। यानी जितनी समस्याएं नोटबंदी से दूर हो जाने के दावे थे, वो सिर्फ क्या दावे ही रह गए। एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चूहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। नोटबंदी का पहाड़ खोद सिर्फ चूहिया निकाल पाने के आरोप में फंसी सरकार हार नहीं मानने वाली। मोदी सरकार काले धन की जड़ को खोदने की तैयारियों को अंतिम रूप किस तरह से दे रही है, अब हम आपको ये दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने फर्जी कंपनियों को लेकर वित्त मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी कि काले धन के सौदागरों के पास बड़े पैमाने पर काला धन मौजूद है। तब कई फर्जी कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा गया। पीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक 8 दिसंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक 2082 कंपनियों ने देश के बैंकों में कुल 1238 करोड़ रुपए जमा कराए। दावा है कि इन फर्जी कंपनियों में कुल 3586 डायरेक्टर थे और नोटबंदी के दौरान 50 दिन के भीतर ये सारा पैसा जमा कराया गया। इसके अलावा करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके खातों में 80 लाख रुपए और इससे ज्यादा की रकम नगद के रूप में जमा कराई गई थी। यही नहीं, काले धन की जांच में जुटी एजेंसियां अब तक पूछताछ के लिए 3 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर चुकी हैं। देश में फर्जी कंपनियों की पोल खोलने के लिए पीएमओ ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके जरिए एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है कि देश में 15 बड़े मामलों में अब तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का पता चल चुका है। इन मामलों की जांच ईडी और इनकम टैक्स विभाग के पास है। 15 बड़े मामलों में सूरत के अफरोज फाटा, मदन लाल जैन का नाम है जिसमें 5,395 करोड़ रुपए का पता चला है। दिल्ली की NKS होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसने 3,790 करोड़ रुपए खपाए। बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला जिसके जरिए 3,600 करोड़ रुपए ठिकाने लगाए गए। मुंबई की राजेश्वर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसने 1500 करोड़ रुपए खपाए। जयपुर के सिंडिकेट बैंक फर्जीवाड़े में 1,055 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मुंबई का 836 करोड़ रुपए का सिद्धि विनायक केस और 200 करोड़ रुपए का छगन भुजबल केस। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की संख्या भी सामने आई है जिन लोगों ने कथित तौर पर सोना बेचकर बड़ी बड़ी रकम बैंकों में जमा कराई। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि बैंक में पैसा जमा होने के बाद हमें ये पता लग चुका है कि पैसे किसके नाम पर जमा हुए हैं। अब जिस शख्स के नाम पर पैसे जमा हुए हैं उसे साबित करना पड़ेगा कि ये पैसे उसी के हैं। इस काम में देरी भले ही हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में काले धन से जुड़ी खासी रकमें सामने आ सकती हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।